तो हे एवरीवन, स्वागत है सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एचपी स्मार्ट टैंक 585। दोस्तों, ये जो प्रिंटर है वाईफाई ऑल इन वन मल्टी फंक्शन प्रिंटर है। जैसे कि दोस्तों, इस प्रिंटर के मदद से आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट जेरोस कर सकते हैं, कलर जेरोस कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप लोग कलर फोटो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, पासपोर्ट साइज फोटो हो या दोस्तों 4:6 का फोटो आप लोग बिल्कुल ईजी एंड आराम से अपने मोबाइल फोन से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के मदद से भी आप लोग फोटो प्रिंट आउट सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर में अगर आप लोग जैसे कि दोस्तों आप लोग होम पर्पस में यूज कर सकते हैं या दोस्तों छोटा मोटा स्मॉल बिजनेस हो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, और दोस्तों आप लोग ऑफिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को एक ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप लोग जेरोक्स या प्रिंट आउट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 पैसे में आप लोगों को प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाता है। एंड दोस्तों, कलर में अगर आप लोग प्रिंटिंग करते हो तो दोस्तों लगभग 12 से 13 पैसे में आप लोगों को प्रिंट आउट या दोस्तों जेरोक्स कलर प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रिंटर को मैं फुल अनबॉक्सिंग करते आप लोगों को फुल रिव्यू एंड दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल भी करके दिखाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारा डिटेल्स देने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप लोग इस प्रिंटर को ऑनलाइन से परचेज भी करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस प्रिंटर को परचेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप लोग इसका फुल डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कैसे आप लोग प्रिंटर को इंस्टॉल या दोस्तों आप लोग कैसे आप लोग इस प्रिंटर से काम करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। एचपी का स्मार्ट टैंक बिल्कुल नया मॉडल लॉन्च कर दी है, जो आप लोग देख सकते हैं एचपी स्मार्ट टैंक 585 वायरलेस ऑल इन वन प्रिंटर है। आप लोग देख सकते हैं इस प्रिंटर को मैं फुल्ली अनबॉक्सिंग करके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इंस्टॉल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं पैकेट में जो लिखा है कंपनी ने, आप लोगों को मैं इसका फंक्शन दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट स्कैन कॉपी आप लोग इस प्रिंटर से कर सकते हैं एंड आप लोग वाईफाई के मदद से भी वायरलेस प्रिंट कर सकते हैं मोबाइल से, लैपटॉप से, अदरवाइज दोस्तों आप लोग यूएसबी से भी कनेक्ट करके कंप्यूटर से प्रिंट आउट कर सकते हैं। और इसका जो प्रिंटिंग स्पीड है 12 PPM ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर में 5 PPM का आप लोग स्पीड मिल जाएगा। और इसका जो पेपर टे है जो एक मतलब 100 शीट जो है पेपर टे इनपुट एंड 30 पेज जो है आप लोगों को आउटपुट देखने में मिल जाएगा। और इसका जो ये जो प्रिंटर है दोस्तों, आप लोग इस प्रिंटर से आईडी कॉपी भी कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा फंक्शन किया है, मतलब कलर प्रिंटर में आईडी कॉपी भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अगर हम प्रिंट कॉस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को ये जो प्रिंटर है, अगर आप लोग एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करते हैं तो आप लोगों को 10 पैसे में ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग कंप्लीट कर देगा। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंटर है इसको जल्दी से जल्दी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो अनबॉक्स करने से सबसे पहले हमारा हाथ में जो आया है देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स मिली है, तो इसको साइड में रखते हैं और हमारा जो प्रिंटर है इस प्रिंटर को सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं पैकेट में से टोटली क्या क्या निकलती है। तो देख सकते हैं प्रिंटर को बिल्कुल ऐसे निकाल लेना है और ये जो है हमारा प्रिंटर बिल्कुल उल्टी निकल आ गई है, तो इसको सीधा करते हैं सबसे पहले। तो सीधा करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं जो प्रिंटर है बिल्कुल व्हाइट कलर का प्रिंटर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्मार्ट देखने में लगती है। तो चलिए अभी आप लोगों को ये जो पैकेट है छोटा पैकेट, इसको सबसे पहले हम लोग खोल के देखते हैं इस पैकेट में से क्या क्या मिलती है हम लोगों को। तो इसको खोलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं जो है एक ब्लैक इंक मिलते हैं जिसके मदद से आप लोग 6000 प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों, तीनों कलर इंक मिलते हैं, इस तीनों कलर इंक से 6000 प्रिंट कर सकते हैं। और एक पावर केबल मिलते हैं और एक डेटा केबल, इसकी मदद से आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रिंट आउट कर सकते हैं। और जो है दोनों दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दो हेड दिया हुआ है, एक ब्लैक एंड व्हाइट हेड एंड एक कलर हेड दिया हुआ है, जिसकी मदद से ये जो प्रिंटर है प्रिंटिंग करेगा। ये जो हेड है इसका कीमत भी बहुत ही कम है, अगर आप लोगों को आगे जाके ख़राब होती है तो आप लोगों को ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है। और एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो प्रिंटर है इस प्रिंटर में आप लोगों को 2 साल का वारंटी मिलने वाला है, जैसे कि 1 साल वारंटी रहता है और 1 साल आप लोगों को वारंटी अपडेट करना पड़ती है, बिल्कुल ईजी एंड आसान है। वारंटी अपडेट करने में आप लोगों को एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। अगर आप लोग वारंटी अपडेट नहीं कर सकते या दोस्तों नहीं जानते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों को कमेंट कर रिप्लाई करूँगी और वारंटी अपडेट कैसे करते उसका भी एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूँगा। और देख सकते हैं यहाँ पर गाइड बुक दिया हुआ है, यहाँ पर सारा डिटेल्स लिखा है किस तरह से इस प्रिंटर को इंस्टॉल वगैरह करना है, जो मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाने ही वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इस प्लास्टिक को रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद प्रिंटर में जितने भी ब्लू कलर का इस तरह का टेप लगा हुआ रहते हैं उसको सभी को आप लोगों को प्रिंटर से निकाल लेना है बिल्कुल इसी तरह से। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल इजी एंड सिंपल तरीके से इस प्रिंटर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जो थोड़ा आप प्रिंटर इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है थोड़ा अपडेट भी कर चुकी है। प्रिंटर के साथ साथ इंस्टॉलिंग का प्रोसेस भी अपडेट कर दी है इस प्रिंटर में। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखेंगे तो इंस्टॉल करने में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम तो ज़रूर होने वाला है। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो प्रिंटर का जितने भी ब्लू कलर का टेप थे उसका रिमूव कर दिया है। और दोस्तों पीछे देख सकते एक पावर केबल और जो है हमारा यूएसबी केबल का लगाने का पोर्ट दे रखा है। और यहाँ पर पेपर ट्रे है, पेपर ट्रे में आप लोग 30 पीस को आराम से दे सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग पावर केबल को सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। इंस्टॉलिंग का जो प्रोसेस है इंक को देने से पहले आप लोगों को पावर केबल कनेक्ट करना पड़ेगा। पावर केबल कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारा जो प्रिंटर का पावर लाइट है वो ब्लिंक कर रहा था, आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपली हम लोगों को क्या करना है, इतने इसका जो इंक है इसको रिफिल करना है। रिफिल करना बहुत ही सिंपल है। तो रिफिल करने के लिए आप लोग प्रिंटर का आप लोग इंक देख सकते हैं, इसमें दोस्तों आप लोग 135 ml का इंक मिल जाती है। तो इसमें ब्लैक वाला जो इंक है ऊपर देख के इसका जो कवर है थोड़ा सा नीचे प्रेशर करना पड़ती है, मतलब बोतल को थोड़ा नीचे प्रेशर करने से हमारा जो इंक है वो ऑटोमेटिक टैंक के अंदर बिल्कुल जा रही है। आप लोग देख सकते हैं जो काफ़ी आसान है रिफिल करना, आप लोग खुद अपने आप रिफिल कर सकते हैं, किसी को भी ज़रूरत नहीं है। जो इस प्रिंटर का सिस्टम किया है बहुत ही अच्छा सिस्टम की है, रिफिल काफ़ी जल्दी हो जाती है कंप्लीट। देख सकते हैं हमारा जो ब्लैक इंक है वो रिफिल कंप्लीट हो चुकी है। एंड दोस्तों इसमें भी अभी भी आधा काली रह चुकी है जो नेक्स्ट टाइम फिर से रिफिल करना पड़ेगा। और दोस्तों हमारा जो काला इंक है इसको भी रिफिल करना सेम तरीका, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ये वाला साइन वाला इंक है तो ये बोतल को ऊपर देख के नीचे थोड़ा मतलब प्रेशर देने से ऑटोमेटिक हमारा जो बोतल है वो जो है हमारा टैंक के अंदर लग जाती है और ऑटोमेटिक जो इंक है वो रिफिल होना शुरू हो जाती है। तो इंक रिफिल करने से पहले आप लोगों को मैं और एक बात बता देता हूँ, इंक रिफिल करने से पहले आप लोगों को पावर केबल कनेक्ट करके प्रिंटर को जो है पावर केबल कनेक्ट करके पावर ऑन करके आप लोगों को इंक रिफिल कर लेना है। अगर आप लोग इस प्रोसेस को मिस करते हैं तो आप लोगों का जो प्रिंटर है वो इंस्टॉलिंग में कंप्लीट नहीं होगा और आप लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। तो दोस्तों ये बात को जरूर ध्यान में रखिए, पावर को केबल को कनेक्ट करके इंक को रिफिल कीजिए। तो देख सकते हैं हमारा जो प्रिंटर का जो इंक है वो सारा लगभग कम्प्लीट ही होने वाला है, रिफिलिंग कम्प्लीट हो चुकी है। तो रिफिल कम्प्लीट होने के बाद दोस्तों आप लोग सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो इंक का जो कवर है इसको सिंपली हम बिल्कुल इसी तरह से लगा देंगे प्रिंटर में। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना वीडियो को कैसे लगा। दोस्तों मेरे चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो देख सकते हैं अभी जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंटर का जो हेड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है। आप लोग इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो ध्यान से इंस्टॉल करना, सबसे पहले जो है आप लोगों को इस प्रिंटर में कलर हेड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट हेड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हेड देखने में आप लोगों को मिल जाएगा। तो हेड का दो सील होता है बिल्कुल इस जगह नीचे एक और ऊपर एक होता है, तो दोनों को ही आप लोगों को सिंपली इसी तरह के खोल लेना है जो काफ़ी ईजी है खोलना, आप लोग देख सकते हैं। तो खोलने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का जो है टेप दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग टेप को रिमूव कीजिए, मतलब सीधा खींचने से हमारा जो टेप है वो बिल्कुल चला आती है। एंड दोस्तों और एक ऑरेंज कलर का गार्ड दिया हुआ है जो दोस्तों इस प्लास्टिक को नीचे पुश करने के बाद ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाती है। और दोस्तों इस गार्ड को बिल्कुल खींच के बाहर निकाल लेना है बिल्कुल इसी तरीके से। और आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारा जो इंक है बिल्कुल रिफिल कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो रिफिल कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम लोग सिंपली अभी जो है हमारा हेड है इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो कलर वाला जो हेड है बिल्कुल इसी तरह से आप लोग इस हेड को लगा देना है अपने कैटिक्स में, मतलब कार्टिक्स को। तो अभी क्या करेंगे, ब्लैक वाला जो हेड है इसको भी हम लोग कैरेज में लगा देंगे। तो चलिए इसको सिंपली हम लगा देते हैं। लगाने के बाद का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो लगाने के बाद दोस्तों इस ब्लू कलर का मतलब इसको नीचे खींच के लगा देना है और इसके बाद आप लोग कवर को लगा देंगे। तो कवर लगाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं डिस्प्ले में एक एरो बटन शो कर रहा है, मतलब
हमारा जो प्रिंटर का जो पेज है बिल्कुल प्रिंटर में बिल्कुल पेज नहीं है, तो हम लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा, पेज देना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी हम इस पेपर को प्रिंटर में दे देते हैं। तो आप लोग प्रिंटर में अगर पेपर जब देते हैं तब आप लोगों को पेपर एडजस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होती है। यहाँ पर आप लोग एक साथ 30 पेज आप लोग दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते इस ब्लू कलर को आप लोगों को इसको पेपर एडजस्ट करना पड़ती है उससे। तो पेपर एडजस्ट होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं पेपर देने के बाद ऑटोमेटिक हमारा जो प्रिंटर है एक प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। मतलब हमारा जो प्रिंटर है अभी अलाइनमेंट जो पेपर होती है उसको अभी प्रिंट करेगा। तो अलाइनमेंट पेपर प्रिंट होने के बाद दोस्तों आप लोगों को उस पेपर को स्कैनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा प्रिंटर है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैं जेरोक्स करके दिखाने वाला हूँ, कलर जेरोक्स कैसे करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स कैसे करते हैं, और दोस्तों आईडी कॉपी को आप लोग कैसे प्रिंट आउट करेंगे, जेरोक्स करेंगे, उसको भी हम दिखा देंगे। तो देख सकते हैं अभी जो हमारा प्रिंटर है वो अलाइनमेंट पेपर जो है वो प्रिंटिंग कर रहा है बिल्कुल। देख सकते हैं इस अलाइनमेंट पेपर को हम लोगों को स्कैन करना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसे लगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर जो भी नया है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस पेपर को स्कैनर के ऊपर दे देना है। देने के बाद दोस्तों यहाँ पर मार्क किया हुआ है तो उस जगह से आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं लाइट जल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट जीरो, उसका इसमें एक बार दबा देंगे। तो दबाने के बाद दोस्तों हमारा जो प्रिंटर है वो ऑटोमेटिक स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। जो अलाइनमेंट पेपर था वो स्कैनिंग होना स्टार्ट हो गई है। और हमारा जो डिस्प्ले है उसमें आर वाला आर लिखा आ रहा है, मतलब आर वाला जो लिखा है वो अप डाउन हो रहा है। तो इसको कंप्लीट होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं 00 हो चुकी है, मतलब हमारा जो स्कैनिंग है वो अभी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा जो प्रिंटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को जेरोक्स वगैरह करके दिखाता हूँ। एंड दोस्तों आप लोग मोबाइल से भी इस प्रिंटर से मोबाइल को वायरलेस कनेक्ट करके प्रिंट आउट कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जेरोक्स करके दिखाता हूँ। तो जेरोक्स करने से पहले दोस्तों आप लोग सबसे पहले स्कैनर को देख लीजिए। ये जो हमारा स्कैनर है वो बिल्कुल A4 स्कैनर है, मतलब A4 से ज़्यादा आप लोग जेरोक्स नहीं कर सकते। तो चलिए इस पेपर को मैं आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स करके दिखाता हूँ, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का जो स्पीड है वो कितना जल्दी होती है। ब्लैक एंड व्हाइट वाला हमने एक बार दबा दी बटन को और हमारा जो प्रिंटिंग है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग अगर इस प्रिंटर से मतलब एक साथ 99 तक जेरोक्स कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा किया है, पहले से ज़्यादा अपडेट की है। जो आप लोग इस प्रिंटर के मदद से एक साथ 99 तक जेरोक्स कर सकते हैं, कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही आप लोग 99 जेरोक्स कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो जेरोक्स का क्वालिटी है जो काफ़ी अच्छा क्वालिटी प्रिंटिंग होता है, एंड दोस्तों जेरोक्स भी कर लेता है ये जो प्रिंटर है। तो जेरोक्स ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो जेरोक्स था वो काफ़ी हाई स्पीड जेरोक्स है, जो आप लोग एक मिनट में मतलब 12 आप लोग इस प्रिंटर से एक मिनट में 12 कॉपी जेरोक्स कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को एक कलर जेरोक्स करके दिखाता हूँ, कलर का जो स्पीड है वो कितना है। आप लोग कंपनी जो है कहती है ये जो प्रिंटर है कलर जेरोक्स अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को एक मिनट में 5 कॉपी करके देगा। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी जेरोक्स करके कलर जेरोक्स करके दिखाता हूँ जो कितना टाइम लेती है ये वाला प्रिंटर। तो इसको हमने अभी क्या करेंगे, स्कैनर के नीचे इस पेपर को दे देते हैं और हमारा जो स्कैनिंग है वो अभी आप में इस कलर वाला बटन को दबाएंगे और हमारा जो प्रिंटर है वो अभी कलर जेरोक्स करना स्टार्ट कर देगा। तो देख सकते हैं हमारा जो पेपर है उसको खींच ली है और हमारा जो प्रिंटर है वो अभी जेरोक्स करना स्टार्ट कर दी है और हमारा जो प्रिंटर है वो अभी जेरोक्स कर रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो को कैसे लगे। तो अभी ज़्यादा मतलब कलर जेरोक्स कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को आईडी कॉपी जेरोक्स करके दिखाने वाला हूँ, जो आईडी कॉपी है आप लोग किस तरह से आईडी कॉपी जेरोक्स करेंगे, जो आप लोगों का जो काम है वो बहुत ही जल्दी एंड फास्ट कर देगा। तो देख सकते हैं कलर प्रिंटिंग भी हमने कर दी है आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोग इसका स्पीड भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पीड है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को आईडी कॉपी जेरोक्स करके दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग आईडी कॉपी मतलब वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी को जेरोक्स कर सकते हैं बिल्कुल इसी आसान तरीके से। तो आईडी कॉपी जैसे कि दोस्तों मैं इस बिल को आईडी कॉपी
करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग स्कैनर में कहीं भी इसको फिट मतलब दे सकते हैं। देने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर आप लोग इस वाला बटन को मतलब ये वाला जो बटन है इसको एक बार दबाएंगे, तो दबाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कलर वाला एंड ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो बटन है वो ब्लिंक कर रहा है। आप लोग अगर कलर करेंगे तो कलर वाला बटन को दबाएंगे और ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला दबाएंगे। तो हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो इसलिए हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट वाला बटन को एक बार पेश करेंगे। तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला बटन को पेश करते ही हमारा जो स्कैनर है वो अभी उस पेपर को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिखा देगा जो हमारा प्रिंटर है वो स्कैन कंप्लीट कर चुकी है। तो देख सकते हैं अभी भी स्कैन हो रहा है। स्कैन होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक सिम मेल आया है, इसका मतलब हमारा जो प्रिंटर का जो है स्कैनिंग है वो अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी ऑपोजिट साइड में आप लोग कहीं भी स्कैनर के कहीं भी आप लोग दे सकते हैं, बिल्कुल सीधी एकदम आईडी कॉपी कर देते हैं, मतलब स्कैनर को कहीं भी कहीं में भी आप लोग बिठा सकते हैं, मतलब एक जगह भी रख सकते। तो उसको उलटाने के बाद दोस्तों फिर से हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट वाला एक बार बटन को पेश किए है और हमारा जो प्रिंटर है अभी उस को स्कैन करके ऑटोमेटिक हमारा जो पेपर है उसमें जेरोस करके निकाल देगा, मतलब आईडी कॉपी जो है मतलब दोनों पहले जो हम लोग को मैनुअली करना पड़ता है, मतलब एक साइड जेरोक्स होता है उसके बाद दोस्तों पेपर को फिर से देना पड़ती है। तो अभी जो है इस प्रिंटर में काफ़ी अपडेट कर दी है और आप लोगों को खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल एक ही पेपर में ऊपर नीच जो है बिल्कुल जेरोक्स करके निकाल चुकी है हमारा प्रिंटर। एंड दोस्तों काफ़ी स्पीड में भी स्कैनिंग एंड दोस्तों प्रिंटिंग कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आईडी कॉपी भी मैंने आप लोगों को जेरोक्स करके दिखा दी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मेरे चैनल पे जो भी नए हैं भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। थैंक यू।